जय हिंद जय भारत। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है ना, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही दुखद की बात है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। ये जो देखिए यहाँ पे, आइए सीधी बात करते हैं। राजस्थान फ्री मोबाइल व गारंटी कार्ड नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्या कह रहे हो सर आप, ये नहीं मिलेंगे? भाई सही कह रहे हैं हम, जो खबर आई है ना, उस खबर को, पूरी खबर को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या खबर आई है, कहां से खबर आई है, कहां पे ये जो फ्री मोबाइल है और गारंटी कार्ड है ये बंद हो चुके हैं, नहीं मिल रहे हैं। हाई कोर्ट ने क्या मांगा है जवाब, हाई कोर्ट ने क्यों लगाई रोक कि फ्री मोबाइल व गारंटी कार्ड नहीं मिलेंगे, क्या है इसका मामला? भाई साहब, बहुत महिलाएं निराश हो चुकी हैं, ऐसे कह रही हैं सर क्या होगा, हम तो मोबाइल भी नहीं लिए फ्री और हमारा तो ये हो गया, हम तो क्या करें, अब हमारा तो नुकसान हो चुका, हम पहले ही आ जाती, हम पहले ही मोबाइल ले लेती तो फायदे में रहती। चलो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में पहले आपके साथ शेयर कर देते हैं और आपको खबर भी बता देते हैं। हमारे साथ आएंगे राजेश सर, जो कि आपको पूरी जानकारी से समझाएंगे कि ये जो बात है ना, ये क्या बात है, कैसी चुनौती है भाई, हाईकोर्ट ने क्या मांगा है आखिर जवाब, और ये जो खबर है ना, ये कहां की आई है? अभी खबर आई है, ताजा खबर है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो राजेश सर, इनको पूरी जानकारी बताइए, क्या खबर आई है? जय हिंद वंदे मातरम। देखो साथियों, ये जो खबर है, ये खबर आपको बता देंगे, अखबार में भी छप चुकी है और मीडिया पे भी छा चुकी है। और ये जो खबर है ना, राजस्थान फ्री मोबाइल व गारंटी कार्ड नहीं मिलेंगे, हाई कोर्ट ने लगाई रोक। आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको जो भी खबर आती है ना, वो तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाती है। आप बस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, जिन महिलाओं को खबर नहीं है उन महिलाओं को खबर कर दो। देखो, राजसमंद में तो ये खबर फैल चुकी है, सभी के पास खबर फैल चुकी है। अगर भरोसा नहीं है तो आप अपना फोन उठाओ और उसको देख लो, देख भाई राजसमंद की खबर देख लो, भाई फ्री मोबाइल क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल लो, उसमें अपने आप खबर आ जाएगी। ये खबर ट्विटर पर आई है, जी राजस्थान पर, और ये खबर राजसमंद के भीम में है, भीम में ये समस्या चल रही है, ये फोन नहीं मिल रहे हैं, गारंटी कार्ड भी नहीं मिल रहे हैं, अब क्या समस्या है देखो। अब हाई कोर्ट ने रोक क्यों लगाई है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखो भाई, स्मार्टफोन गारंटी कार्ड योजना को चुनौती, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया, इसके ऊपर चुनौती दे दी गई इसको, इस योजना को, पूरी को। 1 करोड़ चिरंजीवी महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन व गारंटी कार्ड देने वाली योजना की हाई कोर्ट में चुनौती दी गई कि ये जो योजना चलाई थी ना अशोक गहलोत सरकार ने, कि भाई 1 करोड़ महिलाओं को गारंटी कार्ड भी देंगे और फ्री मोबाइल भी बांट रहे थे, इस चीज को लेकर के हाई कोर्ट ने इसको चुनौती दे दी है और इस पर जवाब मांग लिया है। अब देखो, आयोजन विभाग के 21 अगस्त 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है, यानी कि जो 21 अगस्त 2023 को जो आदेश पारित हुआ था, उस आदेश को ही चुनौती दे दी। सब आदेश क्या था, आदेश क्या था भाई, 21 अगस्त 2023 को तो क्या हुआ था, इसका आदेश जारी हुआ था कि भाई मोबाइल बटेंगे। हाँ, अब देखो आदेश क्या था, आदेश यही था कि 1 करोड़ चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को गारंटी कार्ड दिए जाएंगे फ्री मोबाइल के, ये आदेश था। इस आदेश को ही चुनौती दे दी गई है। अब भाई इस आदेश से देखिए, हमें यह भी समझ में आता है, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको जो भी खबर आती है ना, वो तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाती है। आप बस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, जिन महिलाओं को खबर नहीं है उन महिलाओं को खबर कर दो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये जो खबर है ना, इस खबर पर मत चलो। आपके जहां पर आप जो भी जिले में पड़ती हो ना, जो भी महिलाएं, वो अपनी पंचायत समिति में जाकर एक बार ट्राई करें कि हमारे यहां पे फ्री मोबाइल व गारंटी कार्ड मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है आपके वहां पे मिल रहे हो, 1-2 दिन बाद बंद हो, यहां की खबर आप अब देख रहे हो, लेकिन आपके वहां पे फ्री मोबाइल व गारंटी कार्ड मिल रहे हो, तो आप इस पर विश्वास ना करें, आप स्वयं अपनी पंचायत समिति में जाकर और फिर खुद पता करें, ठीक है? बस ये बात कहना था। और आप चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट से जुड़ लो, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती है ना, बहुत कंपनियों की लिमिटेड भर्तियां
निकलती है, सबके साथ आपके साथ शेयर करते रहते हैं, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। चलिए जी, बात आगे की कहानी चलो करिए। जस्टिस विजय बिश्नोई व जस्टिस योगेंद्र कुमार की खंडपीठ में याचिकाकर्ता अधिवक्ता मुदित नागपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए, यानी कि याचिका किसकी थी, मुदित नागपाल की। देखो भाई, हमारे पास जो खबर है उसको मैं आपको सरल भाषा में समझा दूंगा, ठीक है साहब, हाँ समझा दूंगा मैं, तो भाई ये बात है इसमें देख लो। अब मुदित नागपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं, यानी कि सरकार को ही नोटिस जारी कर दिया। अब नोटिस क्या किया, और अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2023 को रखी है, यानी कि पहली सुनवाई तो होली इसकी। अब साहब अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी गई कि भाई अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को करेंगे, उसमें जो फैसला होगा वो करेंगे। अब देखो, अधिवक्ताओं ने तर्क दिए हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को राज्य सरकार की कल्याणकारी गतिविधि नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, इसमें ये दिया गया है याचिका में कि भाई जो राजस्थान सरकार ने जो फ्री मोबाइल की जो स्कीम चलाई है, इसको हम कल्याणकारी गतिविधि नहीं कह सकते, यानी कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई इससे कोई कल्याण हो जाएगा, ना साहब, इससे कोई कल्याण नहीं होगा। और आगे देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अब आप जो पढ़े लिखे भाई बहन है वो तो जानते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या है, संविधान का अनुच्छेद 14 क्या है वो आप सभी जानते हैं, वो यही है भैया, अगर आप समानता का अधिकार रखते हो तो समानता का अधिकार सबको ही है। फिर ऐसा नहीं है कि भाई इसको इसको कुछ चीज मिल गई मेरे को नहीं मिली। महिला हो, पुरुष हो, जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, इन सभी से कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, समता का अधिकार। इसमें भाई ये भी रूल था, नरेगा वाली, स्कूल वाली, विधवा महिला, ये वाली, बाकी की जो महिला है या तो सबको ही दो भाई, सबको दो, बिल्कुल सही है, कर दो अपने आर पार काम, ले साहब भंडारो, ठीक। अरे या फिर अब बोल रहे हैं कि भाई 1 करोड़ महिलाओं को गारंटी कार्ड, अब गारंटी कार्ड भी बंद हो गए, गारंटी कार्ड भी बंद हो गई, अब वो महिलाएं बच गई जो अब निराश हैं, उदास हैं कि हमें नहीं मिला। बाकी आपको अब आगे देखो, हाई कोर्ट ने प्रथम सुनवाई के बाद में, यानी कि हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई कर ली, अब पहली सुनवाई के बाद में दूसरी सुनवाई, वो पहली सुनवाई के बाद में राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह, यानी कि राज्य सरकार के जो अधिवक्ता हैं, अतिरिक्त अधिवक्ता संदीप जी, उनको क्या हुआ है, नोटिस दिया गया है। उनको नोटिस ये दिया गया है कि 5 अक्टूबर को जवाब मांगा गया है इनसे, संदीप शाह से, कि ये नोटिस है 5 अक्टूबर को जवाब देना, क्योंकि ना इस आदेश को निरस्त किया जाए, यानी कि इस आदेश को ही निरस्त कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म कर दो, चटकाई बंद कर दो, फोन फान दे दो, गारंटी कार्ड दे दो, सब खत्म करो, बंद करो। हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया कि भाई बताओ अब, क्योंकि याचिका लगा देते हैं जाकर के कि साहब ये देखो ये बढ़ रहे हैं, ये आधी महिलाओं को बांट रहे हैं, आधी को नहीं बांट रहे, लगा दिया स्टे किसी ने भी भाई। तो इसमें देख लो, मुदित नागपाल की याचिका पर सुनवाई हो गई, इनकी सुनवाई हो गई कि हाँ भाई बात तो सही है, यानी कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, आधी महिलाएं तो मिल गो, आधी बेचारी रहेगी, आधी निराश हुई आगी, अरे आजी साहब मान तो मिलो ही कौन, मान तो ना, थाने गारंटी कार्ड मिलेगा, अरे गारंटी कार्ड को के करा, अब गारंटी कार्ड भी ना मिला, फोन भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला, और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बिल्कुल, आप अपने पंचायत समिति में, मिस्टर बाबू ने बता दिया, पंचायत समिति में अपने जाके ट्राई कर लेना भैया, हम पे भरोसा मत करो, इस न्यूज पे भरोसा मत करो, खुद जाकर के देख लो, ठीक है, आपको मिल रहे हैं तो खींच लो फटाफट, बिल्कुल नहीं बाद में फिर कुछ नहीं है, बाद में सकता है 1-2 दिन आपके वहां पे मिल रहे हो, हाँ। और आप इस न्यूज को सुनकर आप ना जाओ, बिल्कुल। तो ये बातें थी आज की, जो सारी न्यूज थी वो सारी आपके साथ शेयर कर दी, बस आप इस वीडियो को शेयर कर दो, जिनको खबर नहीं है उनको खबर कर दो फटाफट तुरंत प्रभाव से, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।